हेलो माय डियर व्यूअर्स, आज हम आप लोग के साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर करेंगे जो दाल चावल के साथ बहुत टेस्टी लगता है। जी हाँ, आज हम इंस्टेंट गोभी का अचार बनाएंगे। इसके लिए तो हमें गोभी चाहिए। गोभी को हम छोटे छोटे टुकड़ों में कर लेंगे। मैं आपका बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। देखिए, मैंने छोटे छोटे टुकड़े करके ऑलरेडी रखे हुए हैं। मैंने लहसुन और हरी मिर्च को ऑलरेडी काट के रखा हुआ है। अब हम गैस पे कढ़ाई रखेंगे और इसमें बस ज़रा सा तेल डालेंगे, बट आप जितना सब्जी नॉर्मल बनाते हो उससे ज़्यादा ही तेल डालना है। इसमें थोड़ा हींग से तड़का देंगे और इसमें मेथी से हम तड़का देंगे। पहले हम हींग से तड़का देंगे और फिर मेथी के जल जाने के बाद हम इसमें हरी मिर्च चॉप किया हुआ ऐड करेंगे और लहसुन जो मैंने ऑलरेडी उसे छील के रखा हुआ है। और जैसे ही ये दोनों भुन जाए हम कर देंगे गोभी को ऐड। गोभी को धीरे धीरे ऐड करना है, एक बार ना ऐड करें वरना आपके हाथों पे छींटे आ सकते हैं। बस हमें धीरे धीरे ऐड करना है और इसे बस लाइटली हमें चलाना है, क्योंकि गोभी को तो भुनने में काफ़ी टाइम लगते हैं, लगभग 5 मिनट। बट 5 मिनट में आपका इंस्टेंट अचार तैयार हो जाए तो क्या पूछना। इसे हम कवर करेंगे और गैस को करेंगे हाई टू मीडियम फ्लेम और इसे भूनेंगे हम। हमें गोभी को इतना कुक करना है कि गोभी हमारा 95% तक कुक हो जाए। देखिए, गोभी हमारा लाल होना शुरू हो गया है। इसे कंटिन्यू चलाना है और फिर ढक के हमें इसे कुक करना है। फिर हम चलाएंगे। देखिए, गोभी हमारा लगभग 80% कुक हो चुका है। इसमें हम हल्दी पाउडर डालेंगे 1 चम्मच और 1 चम्मच नमक स्वाद के अनुसार और इसे बस चलाएंगे हम। नमक पड़ जाने से जो हमारा गोभी है बहुत अच्छे से गल जाएगा। इसमें थोड़ा सा हम लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। इसे थोड़ी देर हम चलाएंगे, इसे मसाले मिक्स हो जाए। बस अब इसे हमें ढक के गोभी को मैसी होने तक कुक करना है कि गोभी हमारा अच्छे से गल जाए, जैसे कि नॉर्मली सब्जी में गल जाता है। इसको हम चेक कैसे करेंगे, ये देखिए, गोभी को हम चेक करेंगे इस तरीके से। गोभी का जब हमारा डंठल गल जाएगा तो गोभी ऑलरेडी हमारा गल चुका रहेगा। तो गोभी हमारा गल चुका है, गैस को कर देते हैं ऑफ और इस पर एक लेमन, आधा लेमन हमें निचोड़ लेना है। गैस को ऑफ करने के बाद ही हमें लेमन निचोड़ना है और बस इसे मिक्स कर देना है। सब्जी हमारी रेडी है, सॉरी, गोभी का अचार हमारा रेडी है दाल चावल के साथ। और हाँ, ये इंस्टेंट अचार है तो आप तुरंत खा सकते हैं, बट इसको हम रख नहीं सकते, इसे हम तुरंत खा सकते हैं। तो कैसी लगी मेरी रेसिपी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े। थैंक यू। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ऐसे ही रेसिपी देखने के लिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करिएगा और एटलीस्ट एक शेयर तो करिए।